हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। आज है 3 तारीख, लेकिन ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये 1 तारीख का है, जिस दिन मैं पुणे जा रही थी और शिफ्ट होने वाली थी। तो हुआ दरअसल ये कि मेरे हॉस्टल का अलॉटमेंट लेटर आया नहीं था, जिसकी वजह से मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं जाऊँ तो जाऊँ कैसे और मेरे रहने की व्यवस्था क्या होगी। तो मैंने कॉलेज के हॉस्टल की अथॉरिटी से बात करी और उन्होंने कहा एक काम करिए, आप कॉलेज आ जाइए क्योंकि कल आपका ओरिएंटेशन है, तो आप मिस मत करिए, हम आपके टेम्प्रेरी बेसिस पे रहने की कोई व्यवस्था करते हैं। तो मैं निकल लेती हूँ पुणे के लिए और पुणे की कोई लोकल ट्रेन हमको मिलती नहीं है, बट टिकट हमने लोकल की निकाल के वंदे भारत में हम चढ़ जाते हैं। तो हमारे दिमाग में यही चल रहा था कि अगर कोई फाइन वाइन लग भी गया तो दे देंगे, क्योंकि इस समय पुणे पहुँचना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके बाद अगर कोई ट्रेन नहीं आती है तो वंदे भारत इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और एक्सप्लोर भी करना था, ये जानना था कि वंदे भारत है कैसी, क्योंकि सुना बहुत ज़्यादा है। तो यार हम लोग चढ़ जाते हैं और हम जैसे ही चढ़ते हैं वैसे ही टीसी सर आ जाते हैं, और जैसे ही वो आते हैं फिर वो बोलते हैं कि आपका टिकट दिखाइए। हमारे पास टिकट होता नहीं है तो हम सीधा बोल देते हैं कि सर हमारे पास टिकट नहीं है। तो अब हमने सोचा कि चलो फाइन मांगेंगे, जो भी है पेनल्टी दे देंगे। पेनल्टी जब हम देने जाते हैं तो वो हमको लगता है 1900 का भटका, यानी इसकी ट्रेन की टिकट ना आपको ना लगभग कुछ 550 रुपये में मिल जाएगी, तो आपको 1100 में काम हो जाता है, पर यहाँ पे हमको 1900 का भटका लग जाता है। बट हमने सोचा चलो ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि अगर देखी जाए ना तो ट्रेन बहुत बहुत ही अच्छी है, मतलब फुल आपको फ्लाइट का फीलिंग आता है। और ना यहाँ पे बीच बीच में आपको लोग कुछ ऑफर करने भी आएंगे, लेकिन वो सारा खरीद के आपको खाना है। पहले मुझे लगा कि ये सारा इसमें जितने लोग बैठे हैं पैसेंजर सबके लिए फ्री है, सब लोग दे रहे हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। खाना से लेके चाय से लेके लिटरली एक चॉकलेट तक सब कुछ आपको यहाँ पे ख़रीदना पड़ता है, आपको यहाँ पे सिर्फ पानी फ्री में मिलता है। तो मैं निकल पड़ती हूँ अभी ट्रेन को थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए, ये देखने के लिए कि यार ट्रेन कितनी लंबी और क्या है, क्योंकि पूरा डिब्बा खाली था और साथ ही साथ जो भी थे ना अच्छे लोग यहाँ पे बैठते हैं तो आपको कोई कुछ बोलता नहीं है। और बताइए, ये दरवाजे ऑटोमेटिक खुलते हैं तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ लगी। दूर तक मैंने देखा, लंबा लंबा जाके अंदर तक मैंने जाके देखा, मैं देखना चाहती थी कि जो ड्राइविंग वाला पार्ट है वो कैसे है, क्या हो रहा है। मैंने पूछा सर को कि सर मैं क्या देख सकती हूँ क्या, तो सर ने बोला नहीं ये जो शीशा लगा हुआ है आप इसी से देख सकते हैं। तो ये जो आप फुटेज देख रहे हैं ये यहाँ पर जो शीशा लगा हुआ था छोटा सा दरवाजे के ऊपर, वहीं से मैंने रिकॉर्ड किया है। पर ये ट्रेन का ये जो चीज़ है ये मैं नोटिस करना देखना चाहती थी, इसीलिए मैंने फटाफट देख लिया। फिर से मैं भी चली जाती हूँ अपनी सीट पर, और सीट पर जाने के बाद हमने ऑर्डर किया एक प्लेटर, जिसमें हमको मिली थी एक कचौरी, एक चिवड़े का पैकेट, बाबिका जी चिवड़ा जो अमिताभ बच्चन जी ऐड देते हैं वो वाला, और साथ ही साथ ये काओ मिल्क था जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, अच्छा था। और हमको एक मिलते हैं भाकरवड़ी, ये भाकरवड़ी है, प्रॉब्लम पता है क्या थी, ये सब कुछ है ना इंजन पर रखा था शायद, ये बहुत ज़्यादा गर्म था। ये सैनिटाइज़र है, लिटरली सैनिटाइज़र भी गर्म था, आप अगर हाथ डालोगे तो हाथ पे डालोगे सैनिटाइज़र तो चटके लग रहे थे, इतना गर्म था। फिर फटाफट हमने चाय बनाई और चाय पिया, बाकी सब कुछ मैंने खाया पर वीडियो नहीं रिकॉर्ड किया। बट चाय यार काफ़ी अच्छी थी, चाय का एक पैकेट मिला था उसको खाली गर्म पानी में डालना था, बहुत ही बढ़िया चाय थी। फिर मैंने सोचा कि यार अभी इधर आए ही हैं ना तो सब देख लेते हैं ट्राई करके, तो सिर्फ चॉकलेट्स नहीं ली मैंने, फिर मैगी भी ले ली। मैगी जो है ना यार पैक्ड फूड से आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो कोई इतनी ज़्यादा खास लगी नहीं मैगी, बट ठीक है, एक बार काम चलाने के लिए कोई ये नहीं है। गर्म पानी थोड़ा सा डाल कर दे देते हैं वो लोग और बंद कर देते हैं लीड, पर कोई खास समझ नहीं आता है। ट्रेन फटाफट हमको उतार देती है पुणे स्टेशन में और मैं बढ़ जाती हूँ आगे एक्साइटमेंट में कि यार अब मैं हॉस्टल में रहूँगी, कैसा होगा क्या होगा, क्योंकि यार MIT के हॉस्टल के आप अगर फॉर्म देखोगे ना तो उसमें इतनी ज़्यादा सुविधाएं लिखी हुई हैं। तो मैंने तो सोच लिया था कि यार ये तो मेरे घर से भी बेटर होने वाला है, ठीक है हमारे घर में हम बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, ये हमारे घर से भी बेटर होने वाला है। रिक्शा वाले अंकल को CNG भरवाना था तो हमने कहा चलो आपके लिए भी रुक लेते हैं, अभी फुर्सत नहीं है तो चलो आराम से। आज ना पुणे में कुछ था, उस दिन पुणे में कुछ था जिसके बहुत ज़्यादा म्यूजिक बज रहा था, बहुत ही। आज जाते हैं हम अभी अपने हॉस्टल में, और हॉस्टल में पहुँचने के बाद काफ़ी भीड़ देखी मैंने। ये अंबेगांव का हॉस्टल है, अब ना MIT के हॉस्टल बहुत दूर दूर हैं, लाइक 15-15 किलोमीटर्स MIT से 15 किलोमीटर्स दूर में हैं बहुत सारे हॉस्टल्स। तो अब मैंने ये किया कि मैं जाती हूँ अंदर, और अंदर जाने के बाद मैंने ये सुना, क्या सुना आप भी देख लो मैं क्या सुनाना चाह रही हूँ आपको। मैं गई वो सर से बात करने। सर मैं
किसी अथॉरिटी से बात कर सकते हैं कोई ऐसा जो मुझे बात कर पाए? सर मुझे हॉस्टल में रहना ही है ना, अब मैंने जब बात की पर सर फिर अब मैं जाऊँ कहाँ सर? आपको कुछ तो करना पड़ेगा। यहाँ पे सर मेरे से बात करने को तैयार नहीं थे। इसके पहले भी मैंने कॉन्वर्सेशन उनसे की थी लेकिन मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया। हुआ ये कि मुझे कहा गया था कि आप टेम्प्रेरी बेसिस पे अंबेगांव के हॉस्टल में रह लो, लेकिन उन्होंने लास्ट मोमेंट पे लगभग 8:30 बज रहे थे रात के और उन्होंने मुझे डिनाई कर दिया रखने से। फिर क्या था, पुणे में मेरे एक रिलेटिव रहते हैं, मेरे मासी के बेटे रहते हैं, उन्हीं के घर में मैं रुकी हूँ रात भर और यही था मेरा दिन, यही मैंने ऐसे ही निकाला है अपना दिन। देखो मैं ना सिर्फ ये बोलना चाहूंगी कि MIT के नाम पे हमारे दिमाग के अंदर बहुत ज्यादा ये बन चुकी हैं कि बहुत अच्छा होगा, सब कुछ बहुत बढ़िया होगा। तो यहाँ के जो डिसअपॉइंटमेंट हो रही है ना, ये बहुत ज़्यादा दिल पे लगने वाली है। अब क्योंकि मैं पुणे से यहाँ पे आई थी ये सोच के कि हॉस्टल बहुत बढ़िया होगा, बहुत अच्छा होगा, सब कुछ AC रूम्स होंगे एंड एवरीथिंग, तो जब मैं वहाँ पे पहुँची और जब उन्होंने मुझे क्लियरली डिनाई कर दिया, हुआ ये कि मैं जैसे ही वहाँ पे पहुँची मैंने सर को कहा कि सर मैं मुंबई से आई हूँ, मुझे टेम्प्रेरी बेसिस पे अंबेगांव के हॉस्टल में रहने को कहा गया है। तो उन्होंने कहा कि नहीं हम आपको नहीं रख सकते। मैंने कहा सर सॉरी कैसे? तो बोलते हैं कि नहीं रख सकते हम आपको, यहाँ पे ऑलरेडी फुल है, आप अभी जिनसे आपने बात की उनसे बात कर लीजिए। मैंने कहा सर आप मेरे को थोड़ी जगह दे दीजिए रहने के एटलीस्ट आज रात के लिए, क्योंकि मैं मुंबई से आई हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी। तो डिसाइड यही हुआ था कि मेरा भाई मुझे छोड़ के चला जाएगा और मैं यहीं पर रह लूँगी, उसके बाद आई विल मैनेज माई सेल्फ। बट उन्होंने उस समय भी डिनाई कर दिया, उन्होंने ये तक नहीं सोचा कि मैं रात को आई हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी, कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, वी कैन नॉट हेल्प यू एनी हाउ। अब मैंने जितने नंबरों से बात की थी, जितने लोगों से मेरी MIT में बात हुई थी, मैंने सबको फ़ोन मिलाया, सबको कॉल लगाया। मैंने ये सोचा कि चलो अब एक काम करेंगे, देखते हैं कौन क्या बोलता है। उस मोमेंट पे आप मानेंगे नहीं, मैंने 5 से 6 कॉल लगाए होंगे और कोई कॉल रिसीव नहीं कर रहा है। और जब कॉल रिसीव नहीं हो रहा है ना, तो आपको ऐसे लग रहा है कि am I being scammed or what, like मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने I have paid 1,45,760, मुझे ज़बानी याद है मुझे अमाउंट, 6 महीने के लिए 1,45,760 रुपीज फॉर 6 मंथ, और आपको मेरे 1,45,000 की वैल्यू ही नहीं है। आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड कि उस मोमेंट पे फिर मैंने जितने कॉल लगाए किसी ने फोन नहीं उठाया। फिर मैंने पुणे में मेरे मासी के बेटे रहते हैं, वी कॉल्ड हिम एंड देन ही सेड या ठीक है आप आ जाओ हमारे घर पे आ जाओ। तो जो फुटेज आप देख रहे हैं वो उनके घर का है। वो अब उनका घर नहीं होता तो हम कहाँ जाते? आइदर वी वुड हैव स्टेड इन अ होटल, बट हम नहीं करते हैं यार ये, हम लोग कभी होटल में रुके ही नहीं है, वी पूरा फैमिली हम लोग कभी नहीं होटल वोटल चूज करते हैं, बिकॉज मौका ही नहीं मिला कभी। और जब मैंने फीस पे की है तो मैं होटल में रुकूं क्यों, दैट इज द क्वेश्चन। तो हुआ क्या, अब फिर बाद में मैं फिर बाद में मैंने सोचा कि चलो अभी अगले दिन निकलेंगे, अगले दिन ओरिएंटेशन है फिर देखेंगे। ओरिएंटेशन में मैंने अटेंड किया और उसके बाद मुझे कहा गया, हाँ फिर दूसरे एक सर जो थे उनका कॉल रात को आया, तो उन्होंने बोला कि मैं आपका कल के कल सब करवाता हूँ। मैंने कहा ठीक है सर आप करवाइए। अगले दिन जब मैं आती हूँ तो फिर ओरिएंटेशन के बाद फिर से उनका ऐसा था कि अभी देखिए कैसा है ना कि आपका अलॉटमेंट लेटर नहीं आया है तो ऐसा ही प्रॉब्लम रहेगा वगैरह वगैरह। मैंने कहा सर आप मेरे को करके दो, आप नहीं करोगे, मेरी फैमिली लिटरली मुझे बोल रही है नहीं हो रहा है मुंबई आओ वापस, नहीं देखेंगे बात का बाद में। तो ये हुआ, फिर उसके बाद उन्होंने फिर मुझे बोला कि एक काम करो, एक हॉस्टल है हमारा आकांक्षा नाम का, जहाँ पे अभी मैं बैठी हूँ ये जो है आकांक्षा हॉस्टल है सॉरी, तो यहाँ पे मुझे कहा गया कि आप रह लो। तो कल मैं दोपहर को यहाँ पे आई हूँ, मेरा रूम ये रूम क्लीन करवाया, मुझे यहाँ पे रखा गया है और जल्द ही मैं आपको पूरा होटल हॉस्टल दिखाऊंगी और मेरा रूम टूर भी दूंगी और मैं आपको पूरा रियलिटी चेक यहाँ पे दूंगी कि यहाँ पे हमको जो लग रहा है ना वो वैसा नहीं है। इफ यू थिंक कि इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉलेज एंड हॉस्टल भी वैसा होगा, नो ब्रो गलत है, नहीं हो ही नहीं रहा ऐसा कुछ। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, क्योंकि मैं आपको यही दिखाना चाहती थी कि जो चीजें हैं ना वो वैसी है ही नहीं।
ये जो हाइप कर रखा है ना लोगों ने यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे। अब रुको एक चीज बताती हूँ, यूट्यूब पे जब आप हॉस्टल डालोगे ना MIT का हॉस्टल, तो जो हॉस्टल है वो इतना सुंदर दिख रहा है, इतना सुंदर कि आपको लगेगा यार यही मस्त है, यही यही चाहिए अब लाइफ में, और कुछ नहीं चाहिए। मेरे साथ सेम हुआ, पर मैं ये नहीं समझ पाई कि जो हॉस्टल बना रहे हैं, जो हॉस्टल का वीडियो बन रहा है, ये तब बन रहा है जब 15 या 16 साल पहले हॉस्टल बना होगा और तब नया नया सारा इंफ्रास्ट्रक्चर रहा होगा तब। क्योंकि इस समय का हॉस्टल बिल्कुल ऐसा है जैसे कुछ बेकार चौल के रूम होते हैं ना, बिल्कुल वैसे। पर ठीक है, एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी इसलिए तकलीफ हुई, अदरवाइज हॉस्टल्स ऐसे ही रहते हैं। ये मेरे भाई ने मुझे अभी बताया है कि वैशाली हॉस्टल्स ऐसे ही रहते हैं, आपको कोई 5-स्टार होटल वाला फील नहीं आएगा इधर। तो एक्सपेक्टेशन की वजह से प्रॉब्लम हुआ और कुछ भी नहीं, बस प्रॉब्लम मुझे यही लगा कि लास्ट मोमेंट पे आपने मेरे को झूठे प्रॉमिसेस नहीं करने चाहिए थे। जब आपके पास अवेलेबल नहीं थी जगह तो यू शुड हैव सेड कि नहीं है, आप नहीं आओ आज, ओरिएंटेशन गया तेल लगाने, आई मीन भाड़ में, तो मत आओ, तो मैं नहीं आती। पर आपने कहा कि है अवेलेबिलिटी, फिर भी नहीं हुआ, तो वो प्रॉब्लम हुआ। सो गाइस, दैट इज इट फॉर द वीडियो। अगर आप MIT में आ रहे हो और अगर आप ये वीडियो तब देख रहे हो जब आप MIT में हॉस्टल में MIT में एडमिशन ले लिया और हॉस्टल को देख रहे हो, हॉस्टल के लिए आ रहे हो, तो यार ये वीडियो हमेशा देख के आना, और फिर तो आपको रियलिटी चेक लग जाएगा और पता चलेगा कि असल में होता क्या है यहाँ पे। सो यार, दैट इज इट फॉर द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।